अस्सलाम वालेकुम। हम 9th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे, जिनमें हम ये टॉपिक्स को कवर कर चुके थे, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, डेफिनेशंस ऑफ बायोलॉजी, डिविजन्स एंड रिलेशंस एंड करियर्स को हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ आज हम इसकी फर्दर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी। Now the first organization is unicellular. Uni means small. Cellular organisms में वो cells को study किया जाता है जो single cell से मिलकर बनते हैं, यानी उनमें just एक one cell होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, और ये कैरी करते हैं लाइफ के सारे प्रोसेसेस को। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं लाइफ को जो आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन है, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, तो ये सारे एक्टिविटीज़ को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी परफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जो हैं कॉमन एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। नाउ द नेक्स्ट इज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक जगह पर फैमिली या कॉलोनी बनाकर रह रहे होते हैं, और ये एक दूसरे की लाइफ पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि हर सेल जो है वो अपनी एक लाइफ जीता है। ना तो इनके अंदर डिविजन्स होती हैं, ना कोई और प्रोसेस होता है, ये जस्ट अपनी लाइफ वहाँ पर रहते हुए एक साथ मिलकर गुजार रहे होते हैं। वॉल्वैक्स ग्रीन एल्गा इसकी एग्जांपल है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि आगे हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो मैनी सेल से मिलकर बनते हैं, यानी नंबर ऑफ सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल हैं, ठीक है। फिर इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। मस्टर्ड प्लांट जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एक एग्जांपल है। ब्रासिका कैंपस ट्रीज इसका साइंटिफिक नेम है। ब्रासिका शो करता है कि इसका जीनस है, और कैंपस ट्रीज जो है इसकी स्पीशी है, ठीक है। इसको कॉमनली हम मस्टर्ड कहते हैं, यानी सरसों। कॉमनली लोकल एरियाज में इसको सरसों के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, ये मल्टी सेलुलर है, और विंटर सीजन में यानी सर्दियों के सीज़न में इसको कल्टिवेट किया जाता है, उगाया जाता है। इसके लीव्स को जो है वो वेजिटेबल के तौर पर यूज़ किया जाता है, और इसके सीड्स से हम क्या करते हैं, ऑयल की एक्सट्रैक्शन करते हैं। फिर इसकी लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर, और हर प्लांट्स के टू पार्ट्स होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट होता है जो कंसिस्ट करता है रूट, स्टेम और लीव्स पर, और रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी उसकी रिप्रोडक्शन जिससे होती है इंक्रीजिंग नंबर में, तो वो फ्लावर्स हैं, और ये येलोइश इन कलर होता है। तो ये मल्टी सेलुलर प्लांट की एग्जाम्पल थी। नाउ द मल्टी सेलुलर एनिमल की एग्जाम्पल है फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। राना जो है वो जीनस का नेम है, और टिग्रीना जो है वो इसकी स्पीशी है। तो इसका नाम रानी टिग्रीना है, ना कि राना ठिगना है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा ये भी मल्टी सेलुलर एनिमल है। इट लिव्स इन बोथ वाटर्स एंड लैंड। पानी में भी सर्वाइव करता है और लैंड पर भी रहता है। इसकी बॉडी जो है वो डिवाइड है हेड और ट्रंक में। इसकी जो है वो नेक नहीं है, बिल्कुल अल्ताफ हुसैन की तरह। इसका ऑर्गन सिस्टम जो है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना है, और सारे ये ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बने हैं, सच एज एपिथेलियल टिश्यूज यानी कवरिंग के लिए, ग्लैंडुलर टिश्यूज यानी सिक्रीशंस के लिए, मस्कुलर टिश्यूज फॉर मसल्स, नर्वस टिश्यूज फॉर न्यूरॉन्स वगैरह। तो सारे डिफरेंट टिश्यूज मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन्स को बना रहे हैं, और एक ऑर्गन सिस्टम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, पोल्स में, पॉन्ड्स में, डिचेस में, स्टैग्नेंट और स्ट्रीम यानी नदी नालों में ये सर्वाइव करता है, ठीक है। और किस पे फीड करता है, ये स्मॉल इंसेक्ट्स के ऊपर। नाउ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जांपल इज अमीबा, जिसे स्टूडेंट जो है वो अम्मी अब्बू बोलते हैं। तो ये अम्मी अब्बू नहीं है, अमीबा है, ठीक है। अच्छा, ये अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कहाँ पाया जाता है, मर्ट में, पॉन्ड्स में, पोल्स में, और स्टैग्नेंट वाटर यानी फ्रेश वाटर में, जो ठहरा हुआ पानी होता है उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। फिर इसका साइज दिया हुआ है इन्होंने 0.25 मिलीमीटर। कोई रेगुलर शेप नहीं होता अमीबा का, ये इरेगुलर इन शेप होता है, यानी कोई भी एक स्पेसिफिक शेप नहीं होता अमीबा का, ठीक है।
अच्छा, इसके आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, जो कि इसकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स और ट्रांसपोर्ट मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको हेल्प करती है और साइटोप्लाज्म को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसका साइटोप्लाज्म जो है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है एक्टोप्लाज्म जो कि जेल लाइक होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, और जेली लाइक यानी थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और इनर पार्ट जो है वो एंडोप्लाज्म होता है जो कि लिक्विड होता है, सॉल्यूशन टाइप होता है। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल्स होते हैं जहाँ पर फूड बनाते हैं, अपना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल का पावर हाउस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अमीबा मूव्स बाय फॉल्स फूड, फॉल्स फूड का क्या मतलब है कि अपने साइटोप्लाज्म के थ्रू एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, यानी फॉल्स फूड को बनाते हैं और उसके जिसे हम सोडियो पीडियो कहते हैं, और उसकी मदद से ये लोकोमोशन करते हैं यानी मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। नाउ वी हैव द अनदर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी कॉलोनी बनाते हैं, वॉल्वो। सो वॉल्वो इज अ पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ क्लोरोफाइट। ओके, पॉलीफाइलेटिक मीन्स का क्या मतलब है कि मैनी एंसेस्टर, यानी इसके बहुत सारे अबाव अजदाद पाए जाते हैं, यानी इसकी किसी भी एक, ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी इवॉल्वमेंट कौन सी स्पीशी की स्पीशी से हुई है, ठीक है। और ये वॉल किसी फैमिली से इन बिलोंग्स करते हैं और स्फेरिकल होते हैं। इनकी एक स्फेरिकल कॉलोनी के अंदर 50,000 से ज़्यादा सेल होते हैं। ये जो है फ्रेश वाटर में कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं, और सबसे पहले जो इनको रिपोर्ट किया था वो एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने किया था 1700 में। नाउ अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वॉल्वो जो है वो कॉलोनी फॉर्म में रहने की वजह से इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ एल्गी, ठीक है। अच्छा, हर वॉल्वॉक्स के पास टू फ्लैजिला होता है जो कि इसको वाटर के अंदर मूवमेंट के लिए या लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर में होते हैं तो हम अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं फॉर द स्विमिंग। इसी तरीके से इसके फ्लैजिले भी वर्क करते हैं। वॉल्वो सेल्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपने फूड जो है खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से, ठीक है। वॉल्वॉक्स जो हैं वो किसी भी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो ये अब ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये हार्मफुल नहीं होते और ना ही ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद बस एक ही टॉपिक रह गया है एक्टिविटी का, देन हमारे पास चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो इजीली आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं।